सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में सभी 10 टीमें अपनी रणनीति बनाने में लग चुकी है, स्पेशली दो नई टीम जो कि उन्हें तो यहाँ पर जीरो से शुरुआत करनी है। हालांकि दोस्तों ऑक्शन से पहले कई टीमें अपने कोचिंग स्टाफ को मजबूत करने में लगी है, जो कि कई टीमों के कोच ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है, स्टेप डाउन कर दिया है। ऐसे में वो सभी टीमें एक के बाद एक बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर रही है अपने नए कोचेस की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2022 की टीमों के कोचिंग स्टाफ को लेकर आ रही अपडेट्स देने वाला हूं। दोस्तों अहमदाबाद टीम के कोचिंग स्टाफ को लेकर साथ ही लखनऊ केकेआर और एसआरएस के कोचिंग स्टाफ को लेकर कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जो कि मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप भी आईपीएल 2022 के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको क्रिकेट से जुड़ी लगातार खबरें मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे, शुरुआत करते हैं नई टीम लखनऊ से। तो दोस्तों संजीव गोयनका की मालिकी वाली लखनऊ टीम ने हाल ही में बहुत ही बड़ी बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है अपने कोचिंग स्टाफ को लेकर, जो कि दोस्तों अगर हम बात करें लखनऊ टीम के हेड कोच की, तो दोस्तों आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम के हेड कोच होंगे एंडी फ्लावर। दोस्तों एंडी फ्लावर सबसे सफल कोचेस में से एक है, जो कि आईपीएल 2021 में वो पंजाब किंग्स में थे, लेकिन वहां से हटने के बाद अब वो हमें लखनऊ टीम में कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बता दें कि एंडी फ्लावर और केएल राहुल 2020 से पंजाब किंग्स में थे, जहां पे एंडी फ्लावर की कोचिंग में केएल राहुल ने आईपीएल 2020 में शानदार प्रदर्शन किया था, ऑरेंज कैप जीती थी, और आईपीएल 2021 में भी केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों यहां पर लखनऊ टीम ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने पंजाब किंग्स के कोच और कप्तान दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। हालांकि दोस्तों केएल राहुल को लेकर लखनऊ टीम ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन यह लगभग पूरी तरीके से कंफर्म है कि आईपीएल 2022 में केएल राहुल लखनऊ टीम में शामिल होंगे और वहां पर कप्तानी भी करेंगे। वहीं दोस्तों लखनऊ की टीम ने मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर को नियुक्त किया है, जो कि गौतम गंभीर सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाज और सबसे सफल आईपीएल कप्तान में से एक है। केकेआर को ये दो बार खिताब जीतवा चुके हैं, ऐसे में दोस्तों गौतम गंभीर का अनुभव लखनऊ की टीम को काफी फायदा दिला सकता है। तो दोस्तों ये भी एक संजीव गोयनका का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। उनके बाद दोस्तों लखनऊ की टीम ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को अप्रोच किया है, जो कि विजय दहिया लखनऊ की टीम में असिस्टेंट कोच के तौर पर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों विजय दहिया और गौतम गंभीर पहले भी साथ में काम कर चुके हैं, ये दोनों ही दिल्ली के प्लेयर्स में साथ में थे। उनके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी इन दोनों ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। तो दोस्तों ये लखनऊ की टीम के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की टीम के हेड कोच एंडी फ्लावर, मेंटोर की बात करें तो गौतम गंभीर, और असिस्टेंट कोच लाइकली विजय दहिया हो सकते हैं, कप्तान की बात करें तो यहाँ पर केएल राहुल। तो दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की टीम काफी मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। उनके बाद दोस्तों एसआरएस टीम की बात करें तो आईपीएल 2021 में एसआरएस के हेड कोच रहे ट्रेवर बेलिस ने स्टेप डाउन कर दिया है। वहीं एसआरएस के मेंटोर रहे विवेश लक्ष्मण ने भी अपना पद छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें एनसीए के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एसआरएस की टीम ने भी अपने कोचिंग स्टाफ को लेकर कुछ अनाउंसमेंट की है, जहाँ पे आईपीएल 2022 में एसआरएस टीम के हेड कोच होंगे टॉम मूडी। टॉम मूडी एसआरएस के कोचिंग स्टाफ का ही हिस्सा थे, लेकिन अब वो हमें हेड कोच के पद पर दिखेंगे। वहीं दोस्तों एसआरएस के बॉलिंग कोच होंगे डेल स्टेन। दोस्तों डेल स्टेन पहले भी एसआरएस के लिए खेल चुके हैं, लेकिन अब वो हमें अलग रोल में दिखेंगे, अब वो हमें बॉलिंग कोच के तौर पर दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एसआरएस की टीम ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज हेमंत बदानी को बैटिंग कोच के तौर पर अप्रोच किया है, तो वो भी हमें जो है एसआरएस की टीम में बैटिंग कोच के तौर पर शामिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एसआरएस की बाद हम नई टीम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की टीम ने हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, क्योंकि बीसीसीआई ने उन्हें कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने की अनुमति नहीं दी है, जब तक कि उनका इशू सॉल्व ना हो। लेकिन अगर हम जानकारों की माने, क्रिकबस की रिपोर्ट की माने, तो अहमदाबाद की टीम ने रवि शास्त्री को अप्रोच किया है हेड कोच के तौर पर। हालांकि दोस्तों ये रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों अहमदाबाद की टीम ने बॉलिंग कोच के लिए भरत अरुण और फील्डिंग कोच के लिए आर श्रीधर से बातचीत की है। तो आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम के हेड कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर हो सकते हैं, ऐसी फिलहाल यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई है। उनके बाद दोस्तों यहाँ पर केकेआर के स्टाफ से भी अपडेट है, जहाँ पे खबरें आई थी कि हरभजन सिंह बहुत जल्द कॉम्पिटेटिव क्रिकेट से भी संन्यास लेने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार हरभजन सिंह आईपीएल 2022 में हमें किसी टीम के कोचिंग स्टाफ में नजर आ सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर हरभजन सिंह मेंटोर के तौर पर या फिर ग्रुप एडवाइजरी में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आईपीएल 2022 के टीमों के कोचिंग स्टाफ को लेकर आ रही अपडेट्स। जैसे ही यहाँ पर और भी कोई अपडेट निकल के आती है नई टीम को लेकर या फिर यहाँ पर मेगा ऑक्शन को लेकर, तो तुरंत आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।